कानपुर के पूर्व पुलिस कमिश्नर और एटीएस में आईजी भी रहे और अब राजनेता बने असीम अरुण जी हमारे साथ हैं। असीम अरुण जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय देने के लिए बहुत आभार। अरुण साहब, एक पुलिस कमिश्नर की जो पोस्ट होती है वो भी काफी वैभव वाली होती है और कहा जाए ग्लैमरस पोस्ट होती है। ऐसी क्या बात थी जो आपको उससे राजनीति में आने को प्रेरित कर रही थी और आपने राजनीति ज्वाइन किया? कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, हमारे बारे में दूसरे बहुत बड़े लोग कुछ ऐसी परिकल्पना करते हैं और हमारे मन में एक विश्वास, एक कल्पना जागृत करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं उससे ज्यादा विस्तृत कुछ कर सकते हैं। और मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि राजनीति या किसी राजनीतिक पार्टी से निकटता, ये मेरे एजेंडा में कभी कहीं था ही नहीं। और मैं एक पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरे शिद्दत के साथ पुलिस का काम कर रहा था और उसमें बहुत आनंद ले रहा था। लेकिन जब ये सुझाव मेरे सामने आया, मैंने इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया, जो मुझे इसमें कमियां लगी उनके बारे में चर्चा हुई, निराकरण मैंने उसका अपने मन में किया। और फिर मुझे लगा कि जो ईमानदारी, शिष्टाचार, सबको साथ लेकर चलना, विशेषज्ञता के साथ काम करना, मैं पुलिस में कर रहा हूँ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, लोक सेवा में आने से मैं इस कैनवास को और बड़ा कर सकता हूँ। और मैं इसको इस बात से नहीं जोड़ूंगा केवल एक चुनाव से। राजनीति में, लोक सेवा में चुनाव तो आते हैं जाते हैं, पद भी मिलते हैं छूटते हैं, लेकिन मैं अपने कन्नौज क्षेत्र के लिए लगातार अगले 30 साल ऐसे काम करना चाहता हूँ जिससे कि क्षेत्र का कुछ सर्वांगीण विकास हो और समेकित कॉम्पोजिट प्रोजेक्ट्स हो। अरुण साहब, अगर देखा जाए तो कन्नौज उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में काफी फेमस रहा, कन्नौज में छापे पड़े तमाम बातों को लेकर, और आपका बैकग्राउंड है, पुलिस बैकग्राउंड भी रहा। जैसे ही आपने पार्टी ज्वाइन किया, तमाम पार्टियों के रिएक्शन आए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहाँ तक कह दिया कि आपके साथ जिन जिन अधिकारियों ने काम किया तमाम अधिकारियों पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे, उन्हें हटाए जाए, क्योंकि यह तैयारी पहले से चल रही थी। तो इस तरह के जब आरोप सुनते हैं तो क्या ऐसा लगता है कि मतलब आप क्या आगे जवाब देंगे चुनाव प्रचार में, अगर लोग सवाल करेंगे जैसा आपके चुनाव प्रचार धुआंधार चल भी रहे हैं? पहला तो अनुरोध कि आप अब मेरे नाम के पीछे से साहब हटा दें और असीमी बोले या जी लगा दें तो पर्याप्त होगा, क्योंकि मैं अब सरकारी सेवा में नहीं हूं, मैं लोक सेवक हूं। और मैं ये साहब सर आदि के लिए अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना करें। दूसरा, कन्नौज में जो बहुत भारी मात्रा में कैश, गोल्ड आदि की रिकवरी की गई है, ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि किस तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा था और कुछ राजनीतिक पार्टियों द्वारा उसको हवा दी जा रही थी, उसको समर्थन दिया जा रहा था। मैं समझता हूं कि ये हमारी केंद्रीय एजेंसियों की बहुत बड़ी सफलता है और बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है। मैं कानपुर में था तो वहां भी कुछ रिकवरीज इस संबंध में हुई थी। लेकिन मैं अपने बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने भ्रष्टाचार के लिए हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। मुझे हमेशा गौरव होता है कि मैं आगरा में था 2011 में 12 में, तो एक बहुत मजबूत एंटी करप्शन अभियान मैंने चलाया जिसमें अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, तो मुझे भी ऐसा लगा, मुझे बहुत जोश आया और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक बड़ा उस समय अभियान चलाया और उसका अच्छा परिणाम मिला। अब आने वाले समय में यदि मुझे अवसर मिलेगा तो पहला, मैं अपने जीवन में ईमानदारी और शुचिता को हमेशा बना के रखूंगा, इसमें कभी कोई समझौता करने की बात ही नहीं होती। और साथ साथ लोक जीवन में जो भी मुझे कार्यक्षेत्र मिलेगा उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, जड़ से समाप्त करना है, ऐसे सिस्टम बनाने के लिए और प्रयास करूंगा। ऐसे सिविल सेवा ही नहीं, अर्थ से, सोशल फील्ड से लोग आए और आकर के अपना योगदान करें। असीम जी, जब आप राजनीति में आए तो लोगों ने सोचा कि ये राजनीति का नया स्टूडेंट होगा, लेकिन हमने जो आपके चुनाव प्रचार वगैरह देखे, एक परिपक्व राजनेता की तरह आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आपको काफी स्नेह भी मिल रहा है, लोगों की भीड़ भी जुट रही है, हालांकि कोरोना के गाइडलाइंस हैं। किन बातों को लेकर आप उनके पास जा रहे हैं और
आपकी सीट काफी चुनौतीपूर्ण भी मानी जा सकती है कि कई बार से एमएलए वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो क्या बातें हैं जो प्रभावित करेंगी लोगों को और लोग आपको वोट देंगे? पहले तो धन्यवाद, अगर आपको मैं परिपक्व राजनीतिक दिखने लगा हूँ, पर ऐसा है नहीं। मेरे तो अभी मुश्किल से 8-10 दिन का राजनीतिक अनुभव है, और मेरे एक मित्र ने मुझे बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी कि अपने आप को बदलने की कोशिश मत करना, या अंग्रेजी में बी योर सेल्फ उन्होंने कहा, और मैं उस बात पे चल रहा हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे इसी प्रकार अपने आप को सबके सामने रखना चाहिए, मुझे किसी की नकल नहीं उतारना चाहिए। हाँ, अब मैं जिस नए जीवन में आया हूँ उसके अनुभव से मेरे अंदर धीरे धीरे कुछ परिवर्तन आएंगे, लेकिन जो मूल सिद्धांत हैं, ईमानदारी, शिष्टाचार, समावेशी व्यवहार, विशेषज्ञता से काम करना, इनमें कोई परिवर्तन मेरे अंदर नहीं आएगा और वही चीजें रहेंगी। जो जिस आधार पे वोट मांगे जा रहे हैं वो दो हैं। पहला, माननीय योगी जी ने जो कानून व्यवस्था मजबूत की है वो बहुत बड़ा योगदान है। मैं जहां मैं नहीं बोलता हूँ, मैं जाके अपने मित्रों से, अपने साथियों से पूछता हूँ जिनको संबोधित कर रहा हूँ, तो लोग खुद हाथ खड़ा करके बोलते हैं कि पिछले 5 साल पहले और अब की कानून व्यवस्था में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरा, मोदी जी के विकास के मॉडल की और विकास की डिलीवरी का मुद्दा है। घर घर आवास, शौचालय, राशन, गैस, सम्मान निधि सबको मिली है। मैं लोगों से पूछता हूँ, मुझे कहना ही नहीं पड़ता है, तो लोग हाथ खड़ा करके स्वयं बोलते हैं और बताते हैं। एक मित्र, एक सज्जन मुझको मिले अभी 2 दिन पहले, मैंने उनका वीडियो भी पोस्ट किया है, जिनको मुंह में कैंसर हुआ और लाखों रुपए का उनका इलाज हुआ आयुष्मान योजना के तहत, और वो कह रहे थे कि अगर योजना ना होती तो मेरा सारी संपत्ति जो मेरी है बिक जाती, बच्चे मेरे सड़कों पे आ जाते। तो ऐसे लोग मिलते हैं तो लगता है कि वाकई में हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। और कानून व्यवस्था, विकास, ये दो बड़े मुद्दे हैं। और तीसरी बात जो मेरी, मुझसे संबंधित है, एक ही बात है कि राजनीति में विविधता होनी चाहिए, और ये एक बहुत बड़ा अवसर मुझको पार्टी ने दिया है कि मेरी ईमानदारी और अन्य गुण, हालांकि अपने बारे में स्वयं तारीफ करना अच्छी बात नहीं होती है इसलिए मैं यही रुक जाऊंगा, तो कुछ सोच करके मुझे पार्टी ने दिया, यहाँ पे एक अवसर दिया है, और मैं उस पर टिक के रहूंगा, अपने मूल आदर्शों पर कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। हाँ, परिवर्तन किस तरीके से मैं अपने आप को अब कंडक्ट करता हूँ, मेरा व्यवहार कैसा है, वो एक पुलिस अफसर जब जाता है गांव में और एक लोक सेवक जाता है, वो अंतर होता है, और वो अंतर मैं अपने अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ तक बात कानून व्यवस्था की है, हाल में जो इनकम टैक्स के छापे पड़े या फिर जो छापे राज्य सरकार की तरफ से डाले गए, उसमें ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पार्टी बदले की राजनीति कर रही है, और खासतौर पर आपका जो कंस्टिट्यूएंसी है वो काफी इस बात को लेकर मशहूर हुआ कन्नौज में, इतने बड़े छापे पड़े, इतनी बड़ी रिकवरी हुई कि ये अपने आप में एक तरह से एक बड़ी बात बन गई, न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति किसी के पास अवैध पाई जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मेरे ख्याल से बस बात इतनी ही है। कानून का राज स्थापित किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा रही है। अगर किसी को लग रहा है कि ये उनका उत्पीड़न हो रहा है तो ये बड़े अचंभे की बात है। कोई व्यक्ति इतने बड़े पैमाने पे अपराध करे, भ्रष्टाचार करे, और जब पकड़ा जाए तो कहे कि मेरे साथ उत्पीड़न हो रहा है, ये कैसा उत्पीड़न? सरकार का काम है और हमारी एजेंसियां, जैसा कि दिख रहा है, पूरे निर्भीकता से काम कर रही हैं और विशेषज्ञता से काम कर रही हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी इस प्रकार के जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनका राजनीतिक लिंकअप जो भी हो उससे उनको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, कोई समर्थन नहीं मिलने वाला है। असीम साहब, एक सवाल मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि ज्यादा कई नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद कई नेता समाजवादी पार्टी में गए, हालांकि कई लोग और उनके परिवार के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में आए, अपर्णा बिष्ट और मुलायम सिंह यादव के संधि, लेकिन ये बातें निकल कर आ रही है कि पिछड़े वर्ग के नेता जा रहे हैं, क्या ऐसा कुछ है? क्या पिछड़ों की राजनीति के इसमें बीजेपी पिछड़ रही है? तो बिल्कुल भी नहीं, और जितना मेरा अनुभव अभी सीमित है, मैं ये बहुत बड़ा परिवर्तन अपने भारत के लोकतंत्र में देखता हूँ।
पिछले कुछ समय में एक वोटों की ठेकेदारी या वोटों की सौदागरी का धंधा चला और वोटर उसमें आए भी। लेकिन आज हमारा वोटर, हमारा नागरिक, आप और मैं जिसमें शामिल हैं, बहुत परिपक्व हैं। क्या आपके धर्म जाति का कोई दूसरा व्यक्ति जहां वोट दे रहा है उस पर निर्णय लेंगी? आप अपना इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र निर्णय लेंगी जो कि नीतियों के आधारित होगा। आपके जीवन को कौन सी पार्टी सकारात्मक रूप से प्रभावित करती रही है और आगे करेगी, इस पर निर्णय होगा। और ये केवल आप हमें नहीं सोच रहे हैं, ये हर व्यक्ति सोच रहा है, गांव का, शहर का हर व्यक्ति ये चीज सोच रहा है। और इस तरीके से अब भेड़ चाल में कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। और जो नेता गए हैं, यद्यपि मैं, मेरा राजनीतिक अनुभव और पार्टी में मैं बहुत जूनियर हूं उस पर टिप्पणी करने के लिए, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखेंगी कानून व्यवस्था और विकास के जो बड़े काम हुए हैं, इस पे निश्चित रूप से बहुत बड़ा जनादेश मिलेगा।